जिले में विगत दिनों से घटित हो रही अग्निकांड की घटनाओं को कम करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील चौरी चौरा कजनी कैंपियरगंज एवं बांसगांव में सीजनल अग्निशमन केंद्र संबंधित तहसील व थाने पर स्थापित कर आवश्यक संस्थान उपलब्ध कराते हुए 24 घंटे क्रियाशील रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3 अस्थायी फायर स्टेशन क्रमशः गोलघर गोरखपुर 9454418790 गीड़ा सहजनवा 9454419792 तथा अगली हलवा गोला 9454418794 पर आवश्यक व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली NGT द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए भूसों व कृषि अवशिष्टों को जलाने वाले व्यक्ति कृषक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के अनुपालन बांसगांव के गघा थाना में 1 FIR दर्ज कराया गया है। खजनी में 4, सजनवा में 1, कैंपियरगंज में 3, सदर में 30 तथा गोला में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। अग्निकांड से प्रभावित कृषकों को मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी तहसील अपने क्षेत्र में प्रभावित कृषकों की हुई क्षति का विवरण तत्काल तैयार कर संबंधित क्षेत्र के सचिव मंडी समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अंदर राहत राशि वितरित की जा सके। अग्निकांड के कारण जनपद के समस्त तहसीलों में हुई हानि से प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को राज्य आपदा मोचक विधि के गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे के अंदर राहत वितरित किए जाने की कार्यवाही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग द्वारा किया गया है। प्राधिकरण को प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में अग्निकांड से अब तक 1 जनहानि, 31 पशु हानि, 58 झोपड़ी कच्चा मकान की क्षति हुई है, जिसके सापेक्ष मृतक के परिवार को 4 लाख की अनुग्रह सहायता के रूप में दिया गया है। साथ ही पशु हानि के लिए 2,99,000 तथा गृह अनुदान मद में कुल 4,59,055 रुपये का भुगतान किया गया है, जिसमें पशुपालन तथा कपड़ा व बर्तन हेतु आहुतिक सहायता सम्मिलित है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जो प्रति दिवस अग्निकांड से हो रही क्षति संबंधी सूचनाओं का संकलन, राहत एवं बचाव कार्य हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत वितरित किए जाने संबंधित कार्यवाही की निगरानी कर रहे हैं।